मनोजवम्मा ऋतुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, हनुमान जी बजरंगबली की पूजा से हमें बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है और हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान जी के ऐसे मंत्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं जिनका मात्र उच्चारण करने से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित होता है तथा हर प्रकार के कार्य की बाधा उससे दूर हो जाती है। आज मैं आपको विशेष रूप से हनुमान जी का एक चमत्कारिक साबर मंत्र बताने जा रहा हूं जो कि सिद्ध और जल्दी फलदायी माना गया है। साबर मंत्र इसलिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि वे शीघ्र कार्य करते हैं, बशर्ते जिस देवता का साबर मंत्र का जप किया जा रहा हो तो उन देवता के अंदर आपकी अटूट श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया हो, चाहे प्रातःकाल हो, चाहे सायंकाल हो, चाहे रात्रिकाल हो, हनुमान जी की उपासना किसी भी वक्त की जा सकती है, बशर्ते पूर्ण रूप से पवित्रता से और एकांत स्थान में बैठ करके ही हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठ करके उपासना की जाती है। इस बात का ध्यान रहे कि हनुमान जी की तस्वीर ध्यान मुद्रा की होनी चाहिए। हनुमान जी के मंत्र का जप करने से बाधा मुक्ति के साथ साथ में हमारे पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष भी दूर हो जाते हैं और हनुमान जी को शिव जी का ही अंश माना जाता है और हनुमान जी अजर है, अमर है और कलयुग में भी मौजूद है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से जल्द ही हमारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इसमें संदेह नहीं है। चाहे हनुमान जी के मंत्र हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, सभी विशेष फलदायी माने गए हैं। साबर मंत्र अपना विशेष और चमत्कारिक प्रभाव रखते हैं। ये ग्रामीण भाषा कालीन होते हैं और इनमें विशेष रूप से ज़्यादा गूढ़ इनके रहस्य को जानने के मंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते बस जो गुरु से मंत्र मिल जाए उसी को ही अपना सर्वस्व मान करके जो जप करता है तो उस व्यक्ति को जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इस मंत्र के सहायता से हर प्रकार की बाधा दूर होती है। विशेष रूप से किसी भी विशेष कार्य से निकलने से पूर्व यदि इस मंत्र का मात्र 7 बार उच्चारण कर दिया जाए, तत्पश्चात अपना पुरुष अपना दायां पांव बाहर रख के घर से प्रस्थान करे और महिला अपना बायां पांव बाहर रख के प्रस्थान करे तो विशेष रूप से उनको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, कोई प्रकार की बाधा या विघ्न उपस्थित नहीं होता, और विघ्न होता भी है तो उनका कुछ अहित नहीं होता है। बशर्ते इस मंत्र को सिद्ध किया जाना जरूरी है। यह मंत्र मंगलवार को सिद्ध होता है। हनुमान जी में विशेष रूप से व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए और सायंकाल में हनुमान जी के रोट का भोग यानी कि रोटी के बड़ी रोटी बना करके उसके ऊपर गुड़ और घी का मिश्रण मिला करके उसका भोग हनुमान जी को लगाया जाना चाहिए। हनुमान जी को लाल चोला, लाल ध्वजा और सिंदूर हनुमान जी को अति प्रिय है तो सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें और सिंदूर का दीपक चमेली के तेल में सिंदूर डाल करके लगाने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और तत्पश्चात अगरबत्ती और दीप प्रज्वलित करके इस मंत्र का मात्र आपको 2 माला जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हन हनुमते मम सर्व बाधा निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष शीघ्र नाम धनि नाम करु करु हम फट स्वाहा। यह हनुमान जी का सिद्ध साबर मंत्र है और इस मंत्र को सिद्ध किया जाना जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में किसी भी मंगलवार के दिन इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है और तत्पश्चात किसी भी आवश्यक कार्य से निकलने से पूर्व मात्र 7 बार उच्चारण करके इस मंत्र को बोल करके प्रस्थान करें, अवश्य ही आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है क्योंकि हनुमान जी का शक्तिशाली और चमत्कारिक साबर मंत्र है। धन्यवाद।